नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्रीय श्री चित्रगुप्त समिति जमशेदपुर तत्वाधान में गुरुवार को काशीरी ठाकुर प्यारा सिंह मैदान में भगवान चित्रगुप्त की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इसमें कायस्थ समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त के समक्ष अपने कर्मों का लेखा जोखा पेश किया। विशेष आयोजन केंद्रीय श्री चित्रगुप्त समिति के द्वारा तत्वाधान में आयोजित है। हमारे कर्मों के लेखा जोखा चित्रगुप्त जी महाराज लिखते हैं। हमें अपने कर्मों पे किस प्रकार से संयमित तरीके से जीवन को जीना है। हम ये भूल जाते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी विचार करते हैं, तो उसे हमारे अलावा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं लिखता है हमारे कर्मों के लेखा जोखा को। इसलिए आज हम इस दरबार में खड़े हैं, हमारे हर कर्म हर विचार का लेखा जोखा वो ईश्वर लिखते हैं। इसे सदैव ध्यान में रखना चाहिए और अपने कर्मों को संयमित रखना चाहिए। लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत देने का कार्य करना चाहिए, गरीबों का मदद करना चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, नौजवानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यही हमारी जीवन की कुल एक रूपरेखा तैयार जो होती है, ये चित्रगुप्त जी महाराज हमारे सब कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आज उनके चरणों में नमन करने के लिए हम उपस्थित हैं कि हमारे जो कर्मों की लेखा जोखा आप लिख रहे हैं, वो आप जो लिख रहे हैं वो हमारे कर्मों में सैद्धांतिक रूप से हम उसको किस प्रकार से अपने विचारों के साथ, कर्मों के साथ, वाणी के साथ एक अपना स्वरूप इतनी शक्ति दो कि हम अपने कर्मों पे संयमित रूप से कार्य कर सकें और समाज हित पे सदैव काम करने का मार्ग प्रशस्त हो आपके आशीर्वाद से। इसी के निमित्त हम आए हैं। चित्रगुप्त समिति के सभी हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। आने वाले समय में इस काशीडी ठाकुर धुरेंद्र सिंह प्यारा सिंह जी मैदान में और बड़े स्तर पे कार्यक्रम होंगे। जिस प्रकार से भाई अभय जी ने बताया कि चित्रगुप्त जी महाराज किस प्रकार से हमारे कर्मों की लेखा जोखा रखते हैं, उनके क्या विचार हैं, हमें किस प्रकार से आगे कार्य करना चाहिए, इसकी पूरी रूपरेखा के साथ में यह समिति आने वाले समय में भव्य बड़ा कार्यक्रम करेगी। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।